ब्रेकिंग न्यूज अवा कालू आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदारत हेठ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी है। आईएसपीआर चवण है तो कॉन्फ्रेंस दौरान कौमी सलामत की सूरत हाल से ब्रीफिंग दिनी वही। आईएसपीआर मूजिब कॉन्फ्रेंस दौरान वतन के शहीदन के भेटा पेश कई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चवण है तो कौमी सलामती बाबत कें भी खतरे के मुंह डेण ला तैयार वधिक अपडेट्स ला इस राबतो कियो है इस्लामाबाद में सीनियर सहाफी तजी निगार सिदीक साहब जिसा। सिदीक साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या अपडेट्स है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत ये 258वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी जो कि इस कॉन्फ्रेंस में तमाम कोर कमांडर्स शिरकत की सूरत के ऊपर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने जो है वो पाकिस्तान के उन शहदा को जबरदस्त कराते के लिए पेश किया जो दहशतगर्दी के खिलाफ और मातृ वतन का दिफा करते हुए जानों का नजराना जिन्होंने पेश किया और शहादत का रुतबा हासिल किया, उनको जबरदस्त खराज के लिए पेश किया गया। इस मौका पर जो अफगान तथा आखिरी सलामती की सूरत हाल और खासतौर पर जो अफगानिस्तान में करतब तरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशत गर्दों की मौजूदगी है उसके ऊपर शदीद तशवीश का इजहार किया गया और कहा गया कि उनके पास न सिर्फ जदीद तरीन हथियार मौजूद है बल्कि वो उनके मुख्तलिफ जो ग्रुप्स है वो वहां पर जो है वो आर्मी चीफ ने जो बारूजी तरबियत है फौज पाकिस्तान की उसको जो है वो नागजीर करार दिया और कहा कि मादरे वतन के दिफा को दरपेश किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए हमें हर वक्त तैयार जो है वो रहना चाहिए। इस मौका पर जो हुकूमत ने मुआशी बहाली के लिए इकदाम उठाए हैं, खासतौर पर जो ग्रीन इनिशिएटिव ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम है उसके तहत आई टी मादरियाती शोबों में बेहतरी के लिए इकदाम उठाए गए हैं, उसमें भी फौज पाकिस्तान की जानब से मुकम्मल तआवुन और हमायत का यकीन दिलाया गया। जी बहुत शुक्रिया सिदीक साहब अपडेट करने के लिए।